क्यों आगे जा रहा है? यार आगे किधर जा रहे हो? थोड़ा कैमरा जूम तो करो कि नहीं। एक्साइटेड हूँ इन द सेंस, मेरे बर्थडे पे मैं एक्साइटेड हो ही जाती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ जब मेरे बर्थडे आते हैं। और आई सेलिब्रेट माई बर्थडे बाई गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू ऑर्फनेज, मीटिंग विद माई लवली स्वीट लिटिल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और सब वेट करते हैं। दीदी की बर्थडे है अभी, दे शी विल कम, हमारे साथ केक काटेंगे, गेम्स खेलेंगे, तो वो जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। सो मैंने प्लान वही किया है, दिस आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई, वहाँ पे भी सेलिब्रेट करेंगे विद फ्रेंड्स। सो ओके, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड टुडे आल्सो आई एम सेलिब्रेटिंग एज माय बर्थडे इज टुमारो। टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग इट विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, टुमारो आई विल गो टू टेम्पल, आई विल गो टू ऑर्फनेज, फिर मुझे पैकिंग वगैरह है बिकॉज ऑन 14th आई एम लिविंग फॉर दुबई। तो कल और कोई सेलिब्रेशन नहीं होंगे, जो भी आज करेंगे और that's it. Oh my God, the kind of love they give to me, मतलब kind of love means madness, means I'm so so grateful to them. Thank you for loving me so much. What I am today because of you, because of your love, I am more encouraged and inspired to do many many more things in life. आपके प्यार के बिना शायद ये inspiration मुझे नहीं मिलता, तो आपके प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। So keep loving me and I love you all. अभी हमने रेट काफ़ी कंप्लीट हो गई है, अभी थोड़ी सी बाकी है तो वो हम कंप्लीट कर लें। थोड़ा डेट सबका ट्रैवलिंग रहता है, अभी इतने दिन बाद सब कुछ ओपन हुआ है तो थोड़ा सा टाइम इश्यूज हो रहे हैं, डेट्स इश्यूज हो रहा है, तो हम लोग सॉर्ट आउट करके शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो गई है, इवन पोस्ट प्रोडक्शन भी हो चुकी है, फिल्म इज़ लुकिंग गुड। तो बहुत होप है इस फिल्म से, और मेरे बहुत सारे शेड्स है इस फिल्म में, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ एक ही फिल्म में, तो वो भी मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। तो बिकॉज पीपल विल गेट टू सी मी इन डिफरेंट अवतार इन दिस फिल्म, और फिल्म अच्छी बन रही है, होप मुझे अच्छी लग रही है, तो
मैं आशा करती हूँ इट्स ऑल माय मींस आई होप दैट पीपल एंड ऑडियंस विल आल्सो लव इट. आई एम प्लेइंग अ कॉलेज गर्ल इन दिस फिल्म, देन आई एम प्लेइंग अ हाउसवाइफ एंड देन आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ एस्कॉर्ट, हाई सोसाइटी एस्कॉर्ट. ये टफ थिंग है, मुझे बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हाउ दे टॉक, हाउ दे ईट, हाउ दे हाउ व्हाट इज देयर बॉडी लैंग्वेज. दिस इज द कैरेक्टर वेयर एक्चुअली हैव टू वर्क बिकॉज आई हैवंट वर्क्ड ऑन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर बिफोर. हाउसवाइफ का एक किया, उस कॉलेज गर्ल तो ज़िंदगी भर करते आई हूँ. जितने भी फिल्म किया सब में कॉलेज गर्ल ही बनी हूँ, तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. बट दिस इज द कैरेक्टर वेयर आई एम वॉचिंग फ्यू मूवीज लाइक प्रिटी वुमन, देयर आर फिल्म्स लाइक वेयर एक्टर्स हैव पोर्ट्रेड हाई क्लास एस्कॉर्ट्स. तो कुछ कुछ फिल्म तो फिल्म से मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि रियल लाइफ में भी किसको पकड़ के मैं देखूँगी क्या. आई मीन दैट्स नॉट पॉसिबल एंड बिकॉज इट इज़ अ हाई क्लास. अगर कुछ नॉर्मल वाले मतलब तो मैं उनके साथ बात करके समझ में आता था, लेकिन अभी ये वाला बेटा आई वॉच मूवीज एंड गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. इट इज़ लवली ऑसम वर्किंग विद कृष्णा. और मेरा और कृष्णा का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, वी जेल वेरी वेल टुगेदर. तो उसके साथ काम करना वैसे भी फन है, उतना हंसाता है, टू मच फन, सेट पर हंस हंस के पागल हो जाती हूँ. डायरेक्टर प्रोड्यूसर दे आर ऑल्सो वेरी नाइस. शक्ति कपूर जी भी बहुत अच्छे हैं. हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, एकदम फैमिली के जैसे लगता है. कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि हम ऐसा कुछ मतलब यू नो लाइक काम कर रहे हैं. We just enjoy like anything and work is done. And then हमें एक से मतलब mostly तो हमें एक से दो टेक देना नहीं पड़ता है. कभी कभी हुआ तो अलग बात है, but mostly बहुत स्वीटली और बहुत स्मूथली काम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. अरे हर चीज़ में इसका नकल करना, उसका नकल करना, suddenly ऐसे बोलेगा कि लग रहा है डायरेक्टर बोल रहा है. एंड देन यू लुक बैक एंड सी कृष्णा, वो ये सब सबका लेग पुल करता रहता है, कुछ भी करता है वो. ही इज़ वेरी मतलब ही इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट और समथिंग, इज़ वेरी कूल. मतलब बहुत ही मतलब हम लोग बहुत कैजुअली काम करते हैं. और उनका वो चीज़ नहीं है कि ही इज़ अ सीनियर एक्टर, जैसे कि मैंने मतलब एक वो वाला चीज़ नहीं है. ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन एंड हम देखते हैं, आई ऑब्जर्व हिम. और बहुत ज़्यादा सीन मेरा उनके साथ नहीं है, लेकिन आई ऑब्जर्व इन हाउस ही सच अ रेगुलर एक्टर, तो उनके लिए तो कोई भी सीन करना बहुत ईजिली हो जाता है. बट आई सी दैट हाउ हिज बॉडी लैंग्वेज इज, हाउ ही टॉक्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट माइन्यूट थिंग्स बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू ऑब्जर्व योर सीनियर एक्टर्स हु आर इन टू द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग. तो बहुत कुछ ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करती हूँ. और ऐसे वो इतना मतलब मैं कुछ जाके बोली सर ये कैसे हुआ, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा ही रिप्लाई देंगे और फिर हंसने का मतलब एवरीबडी जस्ट हैविंग फन ऑन द सेट, कोई सीरियस नहीं है, तो इसलिए मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ. मैंने कंगना का पूरा देखा है, क्योंकि जब मुझे थोड़ा थोड़ा न्यूज़ में दिख रहा था तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे शी टॉक यू नो लाइक हाउ कुड शी टॉक समथिंग लाइक दैट. बट जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा उसका, तो हर ओपिनियन वाज समथिंग एल्स. शी डिडंट से मींस एनीथिंग अगेंस्ट यू नो फ्रीडम फाइटर्स एंड दैट वे. उसका दैट्स हर ओपिनियन, दैट्स नॉट माई ओपिनियन. आई एम सेइंग द हर ओपिनियन, बट हर वे ऑफ प्रेजेंटिंग हर ओपिनियन वॉज डिफरेंट दैन द वे पीपल आर सेइंग. एंड मतलब जिसको सामने जैसे ला रहे उस वैसे मतलब उसको बात को ही घुमा के मतलब एक गलत चीज़ बोला जा रहा है, जैसे उसने ऐसा बोला. जब वेन यू सी द होल इंटरव्यू यू विल अंडरस्टैंड दैट नहीं, उसने कुछ और ही बोला है, बट प्रोजेक्शन कुछ और हो रहा है. मैंने इस बार सबको बोल दिया है, मुझे कम से कम यू नो लाइक 20-30 बुकेज के इतना गिफ्ट्स, शैम्पेन ये वो सब मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं. तो इस बार मैंने क्लियरली सबको बोल दिया है कि डोंट गिव एनी गिफ्ट टू मी. अगर तुम बिकॉज आज हम वी आर ग्रोन अप, वो गिफ्ट के इंतज़ार में नहीं होते और बुके दे रहे हो फाइन. बट मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इफ़ यू फीड अ पुअर फैमिली तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी. सो आई हैव लिटरली रिक्वेस्टेड एवरीबडी कि मुझे एक भी बुके नहीं दिखना चाहिए मेरे घर में. स्पेंड द मनी
ऑन किड्स, पुअर किड्स, पुअर फैमिली, उनको ट्रीट दोगे तो मुझे लगेगा कि माई बर्थडे इज कम्प्लीट। आफ्टर दिस आई एम डूइंग न्यूयॉर्क टू हरिद्वार, आई हैव बीन साइन एंड अदर एक्टर्स आर स्टिल ऑन, बात चल रही है कन्फर्म होने की, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट की बात चल रही है लेकिन अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। एक बार अनाउंसमेंट हो जाए, एक्चुअली न्यूयॉर्क टू हरिद्वार भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी होगा, फिर भी मैं बोल दे रही हूँ कि मैं कन्फर्म, मुझे पता है हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ। और बाकी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बात चल रही है, बहुत जल्दी वो भी फाइनल हो जाएगा और हम बता देंगे आप लोगों को। टू ऑल माई फैंस एंड फॉलोअर्स, for your love, what I am today is because of that. I love you all and you keep loving me, huh? Don't stop loving me. I love you all.